एक फिल्म को लेकर विवाद खड़ा हो गया है और तूल पकड़ता जा रहा है, और ये फिल्म है द केरला स्टोरी के बाद अब 72 हूरों के नाम से सामने आने वाली फिल्म का, जिसका टीजर हाल ही में रिलीज हुआ है और ये फिल्म 7 जुलाई को रिलीज होगी। मगर आरोप लग रहे हैं कि ये फिल्म एक विशेष धर्म को बदनाम करने की नीयत से बनाई गई। इस फिल्म के प्रोमो पर बयानबाजी का दौर शुरू हो चुका है। Tell me, when exactly you joined ISIS? ISIS कब ज्वाइन किया ये जानने के लिए क्यों ज्वाइन किया और कैसे ज्वाइन किया ये जानना जरूरी है। पहले केरला स्टोरी पर बवाल मचा, हंगामा हुआ, फिल्म को सिनेमाघरों में जबरदस्त रिस्पॉन्स मिला। इस दुनिया को सिर्फ अल्लाह चलाता है, ओनली अल्लाह। और अब इसी तरह की एक और फिल्म का टीजर सामने आया है। फिल्म का नाम है 72 हूर। 51 सेकंड का टीजर सुर्खियों में है, ट्रेंड कर रहा है। जो जिहाद का रास्ता चुना है वो रास्ता तुम लोगों को सीधा जन्नत में लेकर जाएगा। इस फिल्म के टीजर में साल 2011 में अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में हुए आतंकी हमले के लिए जिम्मेदार ओसामा बिन लादेन से लेकर मुंबई हमले में पकड़े गए आतंकी अजमल आमिर कसाब का जिक्र है। साल 1993 के मुंबई बम ब्लास्ट में शामिल याकूब मेमन, साल 1999 में दिल्ली प्लेन हाईजैक मामले के मास्टरमाइंड आतंकी मसूद अजहर के साथ साथ मोस्ट वांटेड हाफिज सईद का भी नाम नजर आता है। फिल्म के टीजर से लगता है कि ये फिल्म उन लोगों पर बेस्ड है जो 72 हूरों के लालच में गलत रास्ता अख्तियार कर लेते हैं, कुछ ऐसे लोग जिन्हें गुमराह करके आतंकवाद के रास्ते पर धकेल दिया जाता है। सवाल है, क्या इस्लाम में हूर का जिक्र है? इस पर वीएचपी के साथ साथ मौलानाओं का वर्जन सामने आया है। कितने ही ऐसे आतंकी पकड़े गए, कितने ही ऐसे देशद्रोही पकड़े गए जिनको किस तरह के सब्जबाग दिखाए गए, उनको जन्नत, 72 हूर, अय्याशी के अड्डों के बारे में एक तरह से उनको भ्रमित किया गया। आज अगर 72 हूरों पर फिल्म आ गई तो ये बिल्कुल आ गए। इन्होंने नई थ्योरी घड़ी है कि आप अगर किसी को मार दोगे जाके तो आपको जन्नत मिलेगी। तो जन्नत मिलना असल कॉन्सेप्ट है। 72 हूरों का जिक्र तो मैंने जैसे पहले भी बताया, ये सिर्फ मीडिया ने आधा हिस्सा ले लिया, आधा हिस्से को छोड़ दिया। अब जन्नत मिलेगी तो ही 72 हूरें मिलेंगी ना। दूसरे ये है कि मीडिया कहीं ना कहीं इस बात को दर्शाने की कोशिश करता है कि साहब 72 हूरे सिर्फ मर्दों के लिए हैं क्या, औरतों के लिए क्या है? तो कुरान इसको साफ ये कहता है कि जन्नत जिसको मिलेगी, जो भी जन्नत में जाएगा उसकी हर इच्छा पूरी होगी। फिल्म का टाइटल ऐसा है जिस पर बवाल मचना तय है। हालांकि फिल्म डायरेक्टर का कहना है कि इसे धर्म के चश्मे से नहीं आतंकवाद के एंगल से देखना चाहिए। ये इसको किसी धर्म के तरह से जोड़ के देखना जो है वो इस सब्जेक्ट के साथ में ठीक नहीं होगा। ये सिर्फ आतंकवाद के बारे में बात करता है, तो ये पूरी तरीके से एक उस त्रासदी को पेश करने की कोशिश है कि कई बार अज्ञानता में, बहकावे में आके जो मिसगाइडेड यूथ हैं वो किस तरीके से एक रास्ता अपना लेते हैं जो आखिर में उन्हें कहीं लेके नहीं जाता। वैसे फिल्म 72 हूरे का टीजर तो अब रिलीज हुआ, लेकिन पाकिस्तान की सड़कों पर तो काफी पहले से ही इस कॉन्सेप्ट का डेमो लोगों को दिखाया जाता रहा है। जन्नत की लड़की 130 फुट और उसके सर के बाल यहाँ से शुरू होते हैं, सर से और पांव की एड़ी का आके कोसा लेते हैं, ऐसे 130 फुट आप शार जैसे गिरती है और उसमें नूर है और चमक है और खुशबू है और महक है, वो चेहरे की एक झलक जिंदों को दिखा दे, मेरे रब की कसम जिंदा मुर्दा हो जाएंगे, कलेजे फट जाएंगे, मुर्दों से बात करें उनमें जिंदगी की रूह दौड़ जाए। हालांकि पिछले काफी दिनों से पाकिस्तानी चैनल पर 72 हूरों को लेकर एक चर्चा भी वायरल हो रही है। जो बताया गया है मर्दों के लिए वो क्या है, क्या वो अय्याशी नहीं है वहाँ पे? और तो कुछ नहीं बताया कि ना शॉपिंग मॉल है ना लाइब्रेरी है, औरतों के लिए क्या है? फॉर एग्जाम्पल, मैं बहुत अच्छे काम करती हूँ, सारे इस्लाम के रूल फॉलो करती हूँ, मैं जन्नत में जाऊंगी, मुझे वहाँ क्या मिलेगा? आप जन्नत में उन 72 हूरों के सरदार होंगी। साहब, मर्दों के लिए 72 हूरे और औरतों के लिए वही वाला शौहर जो यहाँ पर है, ये तो बड़ी गलत बात है। औरतों का भी तो कोई चॉइस दीजिए ना, औरतों के लिए भी कोई अट्रैक्शन रखिए, क्या औरतों का दिल नहीं है? 7 जुलाई को फिल्म रिलीज होने वाली है, मगर जिस तरह टीजर को लेकर ही चर्चाओं का दौर शुरू हो चुका है उससे लगता है कि आने वाले वक्त में इस फिल्म पर बवाल बढ़ना तय है। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए, मैं अभी आपको बताती हूँ, मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने
नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर कर के देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपने फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।